गैर सरकारी कर्मचारी को अपनी ही पेंशन के लिए दर दर भटकना पड़ता है। ऐसे में बरमकेला विकासखंड के जिला शिक्षा विभाग ने एक नजीर पेश की है। दरअसल शुक्रवार को बरमकेला विकासखंड से 5 शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए और शनिवार को ही जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन पर सारंगढ़ कलेक्टर धर्मेश साहू ने उन्हें पीपीओ नंबर दिया, जिसके चलते इन सभी शिक्षकों को आगामी 5 तारीख को उनका भुगतान कर दिया जाएगा। रिटायर्ड शिक्षकों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। बहरहाल विभाग की इस बेहतर पहल की चर्चा पूरे जिले में गूंज रही है। बता दें कि ईपीएस की तरफ से हर कर्मचारी को 12 अंकों का एक यूनिक नंबर दिया जाता है, जो सब्सक्राइबर को रिटायरमेंट पर मिलता है। इस नंबर को पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ कहा जाता है। इसकी मदद से पेंशन से जुड़े सभी डिटेल को चेक कर सकते हैं। सेवानिवृत्त हो रहा है और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे विभाग से मेरे सीपीएफ का, सीआईएस का आज भुगतान का प्रमाण पत्र हमको जिलाध्यक्ष महोदय के कार्यालय से प्राप्त हो गया है और हमारा सेवा काल का समय बहुत प्रसन्नतापूर्वक मिलता, बहुत उपलब्धि बना रहा। हम पाते हैं कि सेवानिवृत्ति या लाभार्थी के पूरा होने के पश्चात हमारे शासकीय सेवक दर दर भटकते रहते हैं और पीपीओ जारी करने में 6 महीना से लेकर के साल भर का भी समय लग जाता है। इसको हमने ध्यान में रखते हुए हमने 4 महीना पूर्व से ही एक प्लानिंग के तहत योजनाबद्ध तरीके से हमने काम करना शुरू किया और आज हमारे विकासखंड के जो 5 शिक्षक हैं, प्रधान पाठक हैं, इनका अर्धवार्षिकी ही पूर्ण हुआ और आज ही के दिन हम इनको पीपीओ जारी कर रहे हैं कलेक्टर महोदय के हाथों से। सूरज